बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन एडी कुकिंग्स यूट्यूब चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आज हम एडी कुकिंग में बनाने जा रहे हैं टमाटो केचप। मैंने सोचा रमज़ान आ रहे हैं तो क्यों ना हम टमाटो केचप बनाना सिखाएं, ताकि आजकल टमाटर क्योंकि सस्ते, बहुत ही सस्ते हुए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि आगे से रमज़ान आ रहा है, टमाटो केचप बनाना सिखाते हैं। और इसको तमाम मेरे सब्सक्राइबर, जितने भी व्यूवर्स मेरे देख रहे हैं, वो सारे टमाटो केचप बना के तो फ्रीज़ कर लें, क्योंकि पैकिंग वाली केचप बहुत ही महंगी पड़ती है और हर चीज़ के साथ हम केचप को यूज़ करते हैं। तो आइए आज हम आपको टमाटो केचप बनाना सिखाते हैं। इसके लिए हमने लिए थे 1 किलो आलू। इसके लिए लिए है मैंने 1 किलो टमाटर, जिनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखा है। अभी इनको मैंने देखे किसी के भी इस तरह रिमूव नहीं किया, वो मैं आपके सामने करूँगी और स्लाइसिस में काटूँगी। 1 कप हमने चीनी ली है, 4 टेबल स्पून मैंने वाइट विनीगर लिया है, वाइट सिरका, ये 8 से 10 जवे मैंने लिए हैं लहसुन के, ये नमक है 1/2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है 1/2 टीस्पून, एक छोटे साइज़ का मैंने प्याज लिया है, अदरक के मैंने 4 छोटे छोटे से देखे इस तरह मैंने पीसेस लिए हैं, एक दालचीनी का इतना बड़ा सा टुकड़ा लिया है, तकरीबन 3 इंच का टुकड़ा है, और 4 से 5 अदद मैंने लौंग लिए हैं। तो आइए सबसे पहले हम टमाटरों को स्लाइसेस में काटते हैं। जैसे हमने इनको इनके ये जो है इसके मुंह को हम रिमूव कर देंगे, और इसके हम जिस साइज़ के हम चाहें वो काट सकते हैं, क्योंकि इन्होंने तो इसके अंदर हम मैश ही कर लेंगे टमाटरों को, तो सिर्फ हमने इनको हल्का सा गलाना है, उसके बाद हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे। इस तरह से हम सारे टमाटरों को काट लेते हैं। कढ़ाई को हमने चूल्हे पे रख दिया है। अब हम इसमें ये टमाटर जो हमने स्लाइसेस में काटे थे, टुकड़ों में काटा था, उनको हमने कढ़ाई में शामिल कर दिया है। अब हम इसमें अदरक शामिल करेंगे, लहसुन शामिल करेंगे, प्याज डाल देंगे, और साथ में हम इसके दालचीनी और लौंग शामिल कर देंगे, और इसको इसके अपने ही पानी में इसको गलने के लिए इस तरह कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कवर को हम रिमूव करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से ये टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, और इसमें ये जो हमने दालचीनी का बड़ा सा टुकड़ा डाला था उसको निकाल देंगे, और बाकी मसालों को हम साथ ही इसके अच्छी तरह से हम इसको मैश कर लेंगे। दालचीनी के टुकड़े को हम इसके अंदर से निकाल लेंगे, क्योंकि इसका जितना भी असर था वो इसके अंदर चला गया है, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हम निकाल देंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड हो गए हैं, टमाटरों के छिलके भी सारे इसमें ब्लेंड हो गए हैं। अब हम इसको स्टेनर में डाल के सारे मटेरियल को अच्छी तरह से इसको स्टेन कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से हम इसको स्टेनर में डाल के पूरे मटेरियल को और मुसलसल चम्मच को इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, और ये हमारा सारा केचप टमाटरों का जो मटेरियल है ये सारा स्टेन हो जाएगा। इस तरह से मुसलसल हम इसमें चम्मच हिलाएंगे, ताकि सारा जो है ताकि इसका जो सारा मटेरियल है वो इसमें से स्टेन हो जाए, और जो मोटा सा इसका गुदा सा रह गया है वो जो रह जाएगा उसको हम फेंक देंगे, रिमूव कर देंगे, और बाकी को हम इसमें डाल देंगे। इस तरीके से आप अच्छी तरह से इसको कर लें। ये देखें इस तरीके से ये जो मटेरियल बच गया है इसको हम ज़ाया कर देंगे, और बाकी ये जो है हमारा स्टीम करके जो मटेरियल निकला है इसको हम अच्छी तरह से वापस कढ़ाई में डाल के इसको पकाएंगे, और बाकी चीनी और जो स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे। इसको हमने वापस कढ़ाई में डाल दिया है, फ्लेम को ऑन कर दिया है, इसमें अब हम चीनी शामिल करेंगे। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने चीनी शामिल की है, ये नमक, सुरख मिर्च और चिली फ्लेक्स हैं इनको शामिल करेंगे, ये तीनों 1/2 टीस्पून है इसको शामिल करेंगे और मिक्स करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हम
सिरका शामिल कर देंगे और इनको अब हम अच्छी तरह से इसमें पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि ये जो है इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल हमारा केचप के जैसा बन जाए। इसको हम मुसलसल पकाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें से बबल्स निकलने शुरू हो गए हैं। अब हम चेक करते हैं केचप को प्लेट में डाल के हम चेक करेंगे। अगर तो ये इस तरह, ये देखिए इस तरह करने से अगर तो पानी अलहदा हो रहा है फिर तो हमारी केचप भी डन नहीं हुई। ये देखिए बिल्कुल भी पानी कतरा सा भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि हमारी केचप जो है वो डन हो चुकी है। इसको अब हम जार में डालेंगे और इसको सेव करेंगे। इस तरह का हम एयर टाइट जार लेंगे, इसको अच्छी तरह से खुश्क कपड़े के साथ साफ़ करेंगे और ये इस तरह के स्ट्रेनर के साथ हम इसको, इस तरह के स्ट्रेनर के साथ हम इसको यूं हम इसको इसमें केचप को डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको आप 2 से 3 महीने के लिए इसको सेव कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। देखें हमने टमाटो केचप को बनाया है, इसको आप बनाएं और समोसों और पकौड़ों के साथ इसको आप सर्व करें। ये देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी, देखें बिल्कुल बाज़ार जैसी केचप है। आप बाज़ार की केचप से छुटकारा पाएं और घर में थोड़े पैसों में अच्छी केचप तैयार करें। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।